मॉर्निंग एवरीबॉडी, सत्यम पब्लिक स्कूल परिवार, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सत्यम पब्लिक स्कूल रानोली पर हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। प्रिय विद्यार्थियों, अभिभावकों और विद्यालय के सभी शुभ चिंतकों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप अपने विद्यालय के इस चैनल सत्यम पब्लिक स्कूल रानोली को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। साथ ही साइड में दिए हुए बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हम जो भी नए वीडियोस अपलोड करें उनके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आज हम 12th क्लास के इंग्लिश के अपनी फर्स्ट बुक रेनबो का जो फर्स्ट चैप्टर है द नोबल नेचर, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, इंग्लिश कंपल्सरी में पोएट्री जो चैप्टर है, पोएट्री वाले भाग में पहली पोएम है, उसका नाम है द नोबल नेचर। द नोबल नेचर ये श्रेष्ठ प्रकृति या श्रेष्ठ स्वभाव के बारे में बताता है, इंगित करता है। इंसान का नेचर या स्वभाव श्रेष्ठ होना चाहिए, उत्तम होना चाहिए, ऐसा इस पोइम में कवि अपने को बताना चाहता है, प्रकट करना चाहता है। इस कविता को लिखने वाले पोइट का नाम है बेन जॉनसन। पोइट बेन जॉनसन ये 17th सेंचुरी के 17वीं शताब्दी के बहुत ही महान कवि हुए हैं। ये 1573 में जन्मे थे और ये 1637 में पास अवे हो गए। इस पोइम के माध्यम से कवि हमें ये बताना चाहता है कि इंसान का जीवन चाहे छोटा ही हो लेकिन उसके जो कार्य हैं वो बिल्कुल नोबल होने चाहिए। नोबल डीड्स, अच्छे कार्य करके छोटी सी जिंदगी को भी इंसान बहुत अच्छी बना सकता है, बेहतर बना सकता है। इस पोइम का यही संदेश हमें मिलता है। इस पोइम में कवि एक पेड़ का प्रतीक देकर के एक पेड़ के माध्यम से हमें बताना चाहता है कि इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क डोथ मेक मैन बेटर बी और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक 300 ईयर टू फॉल ए लॉग एट लास्ट ड्राई बाल्ड एंड सियर। देखिए बच्चों, एक पोइम को पढ़ने के लिए उस पोइम का शब्दार्थ जानना ही पर्याप्त नहीं होता है, उस पोइम का भावार्थ क्या है, किस संदर्भ में ये पोइम लिखी गई है, किस वातावरण में ये पोइम लिखी गई थी। ये पोइम जैसा कि आपको पहले बताया गया 17वीं शताब्दी के अंदर लिखी गई है। 17वीं शताब्दी में जहां पर ये लिखी गई वहां का किस प्रकार का वातावरण रहा है, उस वातावरण के अनुसार इस पोइम को आज हमें पढ़ना होगा। उस परिप्रेक्ष्य में, उन परिस्थितियों के अनुसार हमें इसे पढ़ना होगा, तब हमें इसका पूरा भावार्थ अच्छी तरह से समझ में आएगा। दूसरी बात ये, पोएट्री को पढ़ने के लिए हमें पोएट्री के जितने भी प्रकार हैं, काव्य के प्रकार, उनका थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इस पोइम में अंत में तुक, शब्दों की अंत में तुक किस प्रकार से मिल रही है, जिसे अपन राइमिंग स्कीम कहते हैं, पोएट्री पढ़ने के लिए जानना बहुत जरूरी है। राइमिंग स्कीम के अलावा इन पंक्तियों के अंदर या फिर इस पूरे स्टंजा में कौन से अलंकार का, फिगर्स ऑफ स्पीच जिसे हम कहते हैं, उसका प्रयोग किया गया है, ये जानना बहुत जरूरी है ताकि पोइम आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाए। सबसे पहले पोइम को पढ़ने के लिए आपको इसका प्रोनंसिएशन करना बहुत जरूरी है, इसका उच्चारण करना बहुत जरूरी है। आप इसको पूरी को बड़े ध्यान से पढ़ें, एक तुक और लय के साथ में इसको पढ़ें। जैसे कि अपन एक बार जल्दी से दोबारा पढ़ते हैं, इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, इसमें अंतिम शब्द है ट्री, इस ट्री में जो उच्चारण आ रहा है वो आ रहा है ई, ट्री ई। दूसरी लाइन के अंदर अंत में लिखा हुआ है बी, इसका उच्चारण भी आ रहा है बी अर्थात ई। तीसरी लाइन के अंदर इसमें ईयर है तो ई ए र ऐसा आ रहा है, अंत में ए और र की ध्वनि इसमें आती है। और चौथी लाइन में आ रहा है सीयर, तो सीयर में भी अंत में ए और र की ध्वनि आ रही है। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, अंतिम जो शब्द है, प्रत्येक लाइन का जो अंतिम शब्द है, उस शब्द में राइम क्या है, राइम को हिंदी में कहते हैं तुकांत। अंत में इसका तुक कैसा है, शब्दों की जो तुक जिस लाइन में मिल रही है उसे राइमिंग स्कीम कहते हैं। इसको दर्शाने के लिए अपन ए बी सी डी इसका प्रयोग करते हैं। सबसे पहला जो इसमें तुक है उसके लिए अपन ए का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे आ गया ए। अब इसके जैसी तुक दूसरे में आ रही है ट्री बी, तो यहाँ पर भी इसका दूसरा जो शब्द अक्षर है वो ए आ जाएगा, तो इसमें ए ए राइमिंग स्कीम हो गई। इसमें ए ए शुरू की दो पंक्तियों की, लास्ट की दो पंक्ति है उसमें आ रहा है ईयर, तो ये इस ई से अलग हो गया, अलग हो गया, इसलिए इसको अपन दे देंगे बी, इसलिए अपन इसको बी नाम देंगे। इससे अगली लाइन में इसी के सेम है तो ये भी हो जाएगा बी, तो इस पोइम के इस स्टंजा में राइमिंग स्कीम हो गई ए ए बी बी। राइमिंग स्कीम है, इसको आपको लिखना पड़ेगा, राइमिंग स्कीम ये इस पोइम के अंदर है वो है ए ए बी बी।
AABB। अब इसमें अपन ये देखते हैं कि इसमें कौन से फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है, कौन से अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अंग्रेजी में सर्वमान्य सर्व प्रचलित एक अलंकार है, एक फिगर ऑफ स्पीच जिसका नाम है सिमिली। इसका स्पेलिंग ऐसे होता है SIMILE। इसका उच्चारण आपको बहुत ध्यान से बोलना है, सिमिली। इसको हिंदी में कहते हैं उपमा, इसको हिंदी में कहते हैं उपमा। तो जहां पर इसकी एक विशेष पहचान है कि इंग्लिश में पोएट्री में जहां भी एज और लाइक आता है, ये दो वर्ड्स ऐसे हैं, इनका आपको विशेष ध्यान रखना है। जहां पर भी एज और लाइक आता है, एज का मतलब है की तरह, के समान, जैसा कि, और लाइक का अर्थ भी है के समान, जैसा कि। जैसा कि मतलब किसी चीज से अपन यहाँ पे तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, किसी चीज के लिए अपन यहाँ पे उसको दूसरे स्थान पर रख के बताते हैं, यानी उसकी उपमा देते हैं, वहां पे हमेशा सिमिली अलंकार होता है। और इसकी विशेष पहचान है कि जिस लाइन में आपको एज या लाइक के समान के अर्थ के लिए मिल जाए, वहां पर हमेशा सिमिली अलंकार होता है। तो अपनी जो पहली लाइन इसमें लिखा हुआ है, इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, तो यहाँ पर लाइक ए ट्री पेड़ की तरह है, किसकी तरह है, पेड़ की तरह है। इसमें पेड़ की उपमा दी गई है, पेड़ की तरह है, ग्रो यानी होता है बढ़ना, ग्रो के चार अर्थ है, बढ़ना, बढ़ाना, उगना, उगाना, वृद्धि करना, ग्रो से बनता है ग्रोथ, वृद्धि। तो यहाँ पे लाइक ए ट्री है, पेड़ की तरह है। तो यदि आपको ये पूछा जाए या आप इसको यदि एक्सप्लेन करना चाहे, तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा कि इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, तो इसमें सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। दूसरी पंक्ति में अपन आते हैं, तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ बल्क, इसका उच्चारण सही ध्यान से देखिएगा, BULK, बल्क इसको बोलेंगे। बल्क का मतलब होता है अत्यधिक मात्रा में, आकार में जो बड़ा है, ज्यादा है, या फिर मात्रा में जो ज्यादा है, उसको अपन कहते हैं बल्क। बल्क का पहला अक्षर इसके अंदर आ रहा है बी, आगे अपन चलते तो यहाँ पे आ रहा है बैटर, तो बैटर का मतलब यहाँ पहला अक्षर क्या आ रहा है बी, और लास्ट में लिखा हुआ है बी। तो यहाँ पर दूसरी लाइन में अपन ये कह सकते हैं कि इसके अंदर एक में बल्क है, बैटर है और बी है, तीनों जो शब्द हैं उनका पहला अक्षर एक ही आ रहा है बी। दो या दो से अधिक शब्दों का प्रथम अक्षर यदि एक होता है, तो वहां पर हमेशा अनुप्रास अलंकार होता है, उसको इंग्लिश में कहते हैं एलिट्रेशन, उसको इंग्लिश में एलिट्रेशन कहते हैं, इसको एलिट्रेशन यानी अनुप्रास। ये लिटरेशन सबसे बना है, LITERATION, लिटरेशन, एलिट्रेशन अर्थात अनुप्रास। इसकी पहचान क्या बताई, दो या दो से अधिक शब्द एक ही लाइन के अंदर उनका पहला अक्षर यदि सेम आता है, सेम शुरुआत हो रही है, तो वहां पर उस पंक्ति में जो फिगर ऑफ स्पीच है उसको अपन कहते हैं एलिट्रेशन यानी अनुप्रास अलंकार, उसको अपन कहते हैं। एक और इसमें है मैक और मैन, इसमें भी एम आ रहा है और इसमें भी एम है, तो यहाँ पर भी ये हो सकता है, यहाँ पर भी एलिट्रेशन हो सकता है। अगली पंक्ति है स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक 300 ईयर टू फॉल ए लॉग एट लास्ट ड्राई बाल्ड एंड सियर। यहाँ पे भी ये जो है ड्राई है, बाल्ड है और सियर, ये तीनों वर्ड्स हैं, ये उपमात्मक वर्ड हैं, ये ऐसे शब्द हैं जो हमें बता रहे हैं कि वह सूखे के समान है, बाल्ड है और सियर है। तो सबसे पहले किसी भी पोएट्री को पढ़ें, आप पोइम को पढ़ें, तो उसका जो भी स्टंजा है उस स्टंजा में आप ये देखें कि उसमें कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है, उसमें राइमिंग स्कीम क्या है, और उसके बाद में आप एक एक शब्द का उसमें अर्थ करें। अब अपन इस पोइम का अर्थ करते हैं, जैसे कि इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, इन बल्क कवि कहता है कि एक पेड़ की तरह है। सबसे पहले अर्थ यहां से शुरू करेंगे अपन, एक पेड़ की तरह है अत्यधिक मात्रा में ग्रो करने से अर्थात बढ़ने से, बड़े होने से, बड़े होने से ही व्यक्ति बेहतर नहीं होता है या उसका नेचर बेहतर नहीं होता है। डूथ, अब ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये शब्द है ये वर्तमान में प्रचलन में नहीं है, ये 17वीं शताब्दी में ये पोइम लिखी गई थी, इसलिए ये जो शब्द है ये शब्द इसको आप एक बार TH को इसको निकाल दें और इसको रखें केवल डू। ये डू शब्द है, ये पुराने समय में पुरानी अंग्रेजी में डज को रेफर करता है, ये डोथ है ये डज को रेफर करता है, अर्थात डू है वो यहाँ पर बहुवचन के लिए आता है, लेकिन एक वचन का सेंटेंस होने की वजह से यहाँ पे ये डॉथ लिखा गया है। डॉथ का मतलब है डज, डॉथ मीन्स डज, डज। अब ये जहां पे लग गया वर्ब यहाँ पे है, डू डज अकेले आते हैं यदि वर्ब के साथ में, तो वहां पे अधिक एम्फेसाइज होता है, बात पे अधिक बल पड़ता है, जोर पड़ता है, इस बात पे जोर देके कहा जा रहा है डॉथ मेक मैन बेटर भी, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। और ये जो डॉथ शब्द है ये किसको रेफर करता है, डज को। ये आप हमेशा के लिए ध्यान रखें कि कहीं भी पोएट्री में ऐसा आएगा तो पोएट्री में यदि कहीं पे डॉथ आता है तो वहां पे डज को रेफर करता है, तो इसको आप डज माने, और डज यहाँ पे या डू आता है तो इसका मतलब है कि वाक्य पे जोर पड़ता है, बल पड़ता है। डॉथ मेक मैन बेटर भी, अर्थात मेक यानी बनाना, मैन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो एम है वो कैपिटल है,
इसका मतलब ये सिर्फ एक आदमी को रेफर नहीं करता है, ये पूरे मनुष्य जगत को, पूरी मानवता को बताता है। मनुष्य बेटर यानी होता है बेहतर, गुड यानी अच्छा, आप जानते हैं गुड का कंपेरेटिव फॉर्म है बेटर, बेटर यानी बेहतर, और बी यानी होना, डॉट मेक मैन बेटर बी। अर्थात कवि कहना चाहता है कि सिर्फ एक पेड़ की तरह अत्यधिक मात्रा में बड़े हो जाने से, लंबे हो जाने से, आकार में बढ़ जाने से ही एक आदमी या मनुष्य बेहतर नहीं होता है या बहुत अच्छा नहीं बन सकता है, नोबल नहीं बन सकता है, श्रेष्ठ नहीं बन सकता है। एक यहाँ पे उदाहरण देकर के बता रहा है, और का अर्थ है अथवा। स्टैंडिंग, स्टैंड यानी खड़े होना, स्टैंडिंग खड़ा रह करके, खड़े रहते हुए लॉन्ग काफी समय तक, लॉन्ग मीन्स लंबा यानी ए लॉन्ग पीरियड, एक लंबी अवधि तक, लंबे समय तक, एन ओक एक ओक की तरह। यहाँ पे जो पेड़ है, ये पेड़ है, ये इस ओक को प्रकट करता है, ओक के बारे में यहाँ पे बता रहा है। पेड़ कौन सा? ओक। ओक का जो वृक्ष है उसकी संसार में कई प्रजातियां पाई जाती हैं। ओक का वृक्ष है ये बेकार वृक्ष है, हालांकि इसकी उम्र बहुत लंबी होती है। ओक का वृक्ष 300 ईयर अर्थात 300 वर्ष तक जीता है। एक ओक का पेड़ है, ओक को हिंदी में कहते हैं बलूत का पेड़, लेकिन ये किसी काम का नहीं है, उम्र इसकी 300 वर्ष है। अब जब प्रश्न इसमें से बनेगा तो आप इसको समझ सकते हैं, प्रश्न ये बन सकता है कि एक ओक का पेड़ कितने दिन की अवधि तक जिंदा रहता है, कितने वर्ष तक जीवित रहता है, या उसकी उम्र क्या होती है। तो आप सीधे सीधे बता सकते हैं कि एक ओक के पेड़ की उम्र 300 वर्ष होती है, अर्थात इट लिव्स फॉर 300 ईयर्स, ये 300 वर्ष तक जिंदा रहता है, लंबे समय तक ये जिंदा रहता है, खड़ा रहता है, लेकिन अंत में, हालांकि ये मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये बेकार है, यूजलेस है, न इसके कोई फ्रूट्स मिलते हैं, न इसकी छाया किसी काम की होती है, इसकी लकड़ी सिर्फ सूखने के बाद में जलाने के भी काम आ जाए तो आ जाए, कोई काम की नहीं होती है। ट्रू फॉल, अंत में इसकी स्थिति क्या होती है? FALL, फॉल मीन्स होता है गिरना, फॉल यानी गिरना, अंत में ये गिरता है। ए लोग, लोग को कहते हैं एक सूखा जो डंठल है, लट्ठा है, पेड़ है, उसका तना सूख जाता है, सूखने के बाद की स्थिति में जो बचता है उसे अपन कहते हैं लोग, लोग मीन्स होता है लट्ठा। अंत में यह है एक सूखे लठ की तरह, लट्ठे की तरह, एट लास्ट का अर्थ है आखिर में, अंततः, ड्राई सूख जाता है, ड्राई मीन्स होता है सूखना, ड्राई यानी सूखना, अंत में यह सूख करके एक लट्ठा बन जाता है, बाल्ड, बाल्ड मीन्स होता है पत्तीहीन, सूखने के बाद में सारी पत्तियां पेड़ की जब झड़ जाती हैं तो वह बाल्ड हो गया यानी पत्तीहीन, इसे गंजा भी कह सकते हैं। एंड सियर, और सियर का अर्थ है जो मुरझा गया, सियर, SERE, उच्चारण पे ध्यान दीजिएगा, सियर, सियर का मतलब है मुरझाया हुआ। अर्थात कवि कहता है कि जिस प्रकार से एक ओक का पेड़ 300 वर्ष तक, लंबी अवधि तक जीवित रहता है, लेकिन बाद में अंत में वह सूख करके, पत्तीहीन होकर के और मुरझा करके एक सूखे लट्ठे के रूप में गिर जाता है और उसका कोई महत्व नहीं होता है। इसी प्रकार से यदि मनुष्य का जीवन काफी लंबा है, वह 100 साल की उम्र जीता है, लेकिन उसने कोई अच्छा कार्य नहीं किया है, कोई नोबल डीड नहीं किया है, तो अंत में वह भी इसी पेड़ की भांति सूख करके, गंजा होकर के, अर्थात बिना किसी के लिए कोई उपयोगी काम किए हुए, और मुरझा करके गिर जाता है। ये इसका भावार्थ है। एक बार सीधे सीधे इसका भावार्थ अपन और देख लेते हैं। कवि कहता है कि सिर्फ एक पेड़ की तरह अत्यधिक मात्रा में बड़े हो जाने से ही कोई व्यक्ति बेहतर नहीं बनता है या किसी व्यक्ति का जीवन बेहतर नहीं बनता है। अर्थात जिस प्रकार से एक ओक का पेड़ होता है, वह 300 वर्ष तक जिंदा रहता है, 300 वर्ष की लंबी अवधि तक खड़ा रहता है, और अंत में उसकी स्थिति यह होती है कि वह ड्राई हो जाता है, बाल्ड हो जाता है और सीर हो जाता है, अर्थात सूख जाता है, पत्तीहीन हो जाता है और मुरझा जाता है, मुरझा करके एक लट्ठे के रूप में, सिर्फ एक लट्ठे के रूप में वह धरती पर गिर जाता है, ढेर हो जाता है 300 वर्ष के पश्चात। उसी प्रकार से यदि किसी व्यक्ति का जीवन बहुत अधिक बड़ा है, लेकिन उसने कोई अच्छा कार्य नहीं किया है, तो उसका जीवन बेकार है, यह हमें कवि कहना चाहता है। अब देखिए इस पोइम का दूसरा स्टंजा है, इसमें छोटे जीवन के प्रतीक लीली के फूल के बारे में बताया गया है। लीली, लीली को हिंदी में कहते हैं कुमुदिनी। ए लीली ऑफ ए डे, ए लीली, लीली मीन्स कुमुदिनी, डे
ऑफ ए डे, ये इसकी लाइफ स्पेन है, ये इसकी जीवन अवधि है, एक दिन के लिए खिलता है। इज फेरर फार इन मे, फेरर फार इन मे, मे मीन्स मंथ, महीना, मे मई महीना, ध्यान दीजिएगा, एक मे यहां पर है, एक मे यहां पे है, मे एम यहां पे इसमें कैपिटल है, ये मंथ है, मंथ मई का महीना, गर्मियों का दिन, मे ये मॉडल है, एम ए वाई इसमें ये स्मॉल है, ये मॉडल है, मे सकना के अर्थ में, संभावना है यहां पे, संभावना के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए। इज फेरर फार इन मे ऑल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, ऑल्दो जहां पे आया इसका मतलब इसमें थोड़ा विरोधाभास प्रकट होता है, ऑल्दो यद्यपि हालांकि, इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट। इस दूसरे स्टंजा में सबसे पहले आपको इसकी राइमिंग स्कीम देखनी है, यहां पर अंतिम शब्द लिखा हुआ डे, क्या लिखा हुआ है डे, इसमें ए ऐसा इसमें उच्चारण हो रहा है, इसकी ध्वनि डे, दूसरा है मे, तो इसको अपन ऐसे दर्शाएंगे, इसके जैसी सेम ध्वनि इसमें है, इसका जब अपन उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो इसी में ए, तो यहां पर भी इसमें ए हो जाएगा। इसी प्रकार से थर्ड लाइन में ऑल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, नाइट इसमें आइट ऐसा इसमें तुक हो रहा है अंत में, तो ये अलग है ऊपर वाले से, तो यहां पे हो गया बी, और चौथी पंक्ति के अंदर लिखा हुआ है लाइट, नाइट लाइट, तो यहां पर भी हो गया बी। तो आप सीधे सीधे समझ गए होंगे कि इसमें राइमिंग स्कीम क्या है, इसमें राइमिंग स्कीम है ए ए बी बी, ए ए बी बी, अर्थात दोनों स्टंजा हैं, दोनों में एक ही प्रकार की राइमिंग स्कीम काम में ली गई है, डे मे नाइट लाइट, अर्थात ए ए बी और बी। दूसरा काम, सबसे पहले कोई भी स्टंजा अपन पढ़ रहे हैं उसमें यह करना चाहिए, इसमें कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच काम में लिया गया है, तो यहां पर अपन देखते हैं इसमें फेरर फार, फेयर, फेयर के कई अर्थ हैं, फेयर का मतलब यहां पे अच्छे से है, अच्छे अर्थात नेचर के अच्छे, फेयर, फेयर में एफ है और फार में एफ है, तो यहां पर फिर से इसमें अनुप्रास एलिट्रेशन का प्रयोग किया गया है, ऐसे इसमें आप फिगर ऑफ स्पीच को ढूंढे, हालांकि इसमें कॉन्ट्रास्ट का भाव भी प्रकट होता है, ऑल दो लिखा हुआ है दो या ऑल दो, यद्यपि हालांकि, तो यहां पे इसमें यट लग जाता है, ऐसी स्थिति के अंदर यहां पे कॉन्ट्रास्ट है, विरोधाभास भी प्रकट होता है, ऐसा आप इसमें आप समझे सीखें। अब अपन इसमें सबसे पहले इसका अर्थ देखते हैं, यहां पर पहले स्टंजा की विपरीत तुलना की गई है, ए लिली ऑफ ए डे, कवि कहता है बेन जॉनसन यहां पे कहना चाहता है ए लिली, एक कुमुदिनी का फूल जो कि सिर्फ एक दिन के लिए खिलता है, अर्थात एक लिली के फ्लावर की उम्र सिर्फ एक डे होती है, एक दिन होती है। इज फेरर, ये अधिक अच्छा होता है, ये फेरर शब्द ये कंपैरेटिव डिग्री है, ये फेर यानी अच्छा और फेरर अधिक अच्छा होता है, फार, फेरर फार बहुत ज्यादा अच्छा होता है इनमें, जब ये मई के महीने में खिलता है, अर्थात मे मंथ में, मई में ये खिलता है, तो ये उस पेड़ की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है। वो पेड़ कौन सा? वह पेड़ ओक का पेड़ जो 300 वर्ष तक जीता है। कवि यहां पर कहना चाहता है कि 300 वर्ष तक जीने वाले एक ओक के पेड़ की अपेक्षा की तुलना में अगर अपन तुलना करें तो मई के महीने में सिर्फ एक दिन के लिए खिलने वाला जो लिली फ्लावर है वह फेरर होता है, अधिक अच्छा होता है। ऑल्दो यद्यपि, ऑल्दो का अर्थ होता है यद्यपि हालांकि। इट फॉल, यहां पे इट ये किसको रेफर करता है? ये लिली को रेफर करता है। इट यह फॉल गिर जाता है, एफ ए डबल एल फॉल मीन्स होता है गिरना, हालांकि ये गिर जाता है एंड डाई और मर जाता है, डाई का अर्थ है मरना, मरने से मतलब है समाप्त होना, इसकी जो जीवन है एक दिन का वह यहीं पे समाप्त हो जाता है। कब? दैट नाइट उसी रात्रि को, दैट नाइट उसी रात्रि को, अर्थात एक लिली का फूल जो सिर्फ एक दिन की जिंदगी जीता है और यह उसी रात्रि को गिर जाता है और समाप्त हो जाता है। फिर भी ये ध्यान देना, जहां पे ऑल दो या दो आता है वहां पर दूसरे सेंटेंस में हालांकि अलग ही भाव प्रकट होता है,
इसका विरोध प्रकट करने वाला भाव प्रकट होता है। इसमें येट कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, फिर भी इसमें येट का भाव होता है। इट वॉज लीली फ्लावर, इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट। फिर भी यह एक पौधा था, प्लांट यानी पौधा, एंड और फ्लावर, फ्लावर मीन्स होता है फूल, ऑफ लाइट। ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये लाइट में यहाँ पे एल कैपिटल लिखा गया है। लाइट, लाइट मीन्स प्रकाश, लाइट यदि नाउन है तो इसका मतलब है प्रकाश, रोशनी, उजाला, लाइट। लाइट यदि वर्ब है तो इसका अर्थ हो गया जलाना, लाइट मीन्स जलाना। लाइट यदि एडजेक्टिव है, विशेषण है, तो लाइट का अर्थ होता है हल्का, लाइट यानी हल्का। अब यहां पर जो एल कैपिटल लिखा गया है, इसका तात्पर्य है कि इसे हम जीवन में खुशी देने वाला, जीवन में जॉयनेस, आनंद देने वाला, हैप्पीनेस देने वाला फ्लावर कहते हैं और प्लांट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एक दिन खिलकर के भी लोगों के जीवन में प्रसन्नता, लोगों के जीवन में खुशियां देता है, प्रसन्नता देता है। एक बार इसका पूरे का भावार्थ समझ लीजिए। कवि यहां पे कहना चाहता है, यहां पर ओक के पेड़ से तुलना करके कहना चाहता है कि ओक का पेड़ जो 300 वर्ष जीता है, उसकी तुलना में लिली का पौधा, लिली का जो फूल है, वह मई के महीने में सिर्फ एक दिन के लिए खिलता है, फिर भी वह उस पेड़ की अपेक्षा कहीं अधिक अच्छा होता है, अपने नोबल डीड्स के कारण, अपने श्रेष्ठ गुणों के कारण, अपनी नोबल नेचर के कारण, अपने अच्छे स्वभाव और प्रकृति के कारण। Although, यद्यपि, अर्थात उसकी उम्र कितनी होती है, Although, यद्यपि, it fall, ये गिर जाता है, and die that night, हालांकि उसी रात्रि को गिर जाता है और समाप्त हो जाता है, मिट जाता है, फिर भी इट वॉज द प्लांट इन फ्लावर ऑफ लाइट, फिर भी इसे फ्लावर ऑफ लाइट कहा जाता है और इसे प्लांट ऑफ लाइट भी कहा जाता है। अर्थात जीवन में रोशनी फैलाने वाला, लाइट का मतलब है यहाँ पे रोशनी, प्रकाश, उजाला, खुशियां, प्रसन्नता, हैप्पीनेस, लोगों के जीवन में ये प्रसन्नता देता है, लोगों को ये खुश करता है, इसलिए इसे फ्लावर ऑफ लाइट कहा जाता है। अब यहाँ पे इसमें प्रश्न भी बन सकता है कि लिली की उम्र कितनी होती है, लिली की उम्र होती है सिर्फ एक दिन, इट लिव्स ओनली फॉर वन डे। दूसरी बात, इसकी तुलना किससे करी गई है, एक ओक के पेड़ से इसकी तुलना की गई है। तीसरी बात, यहाँ पे प्रश्न ये बन सकता है कि इसे अपन फ्लावर ऑफ लाइट क्यों कहते हैं, अर्थात ये लोगों के जीवन में हैप्पीनेस देता है, प्रसन्नता देता है, खुशियां देता है, एक दिन की अवधि है, फिर भी लोग इसको देख करके प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, लोगों के जीवन को ये महका देता है, इसलिए इसे अपन फ्लावर ऑफ लाइट कहते हैं। ये इसमें से कुछ प्रश्न बनते हैं। आप इस पूरी स्टंजा को देखेंगे तो सबसे पहले इसमें राइमिंग स्कीम देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, राइमिंग स्कीम इसमें है ए ए बी बी। ये यदि आप एक दो बार पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे कि राइमिंग स्कीम क्या होता है, इसका क्या फर्क पड़ता है। अपन किसी कविता को यदि पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने की बजाय हम उसे गा करके पढ़े तो उसका बहुत एक इफेक्ट पड़ता है पोइम पे, और उसको अपन बहुत आसानी से, अच्छे से समझ सकते हैं, थोरोली समझ में आ सकती है। ए लिली ऑफ ए डे, एक दिन के लिए खिलने वाला लिली का फूल जो मई के महीने में खिलता है, वह उस ओक के पेड़ की तुलना में अधिक अच्छा होता है, ऐसा यहाँ पे कवि तुलना करके कहना चाहता है। Although, यद्यपि, it fall and die that night, हालांकि उसी रात्रि को समाप्त हो जाता है और गिर जाता है, फिर भी लोग इसे खुशियां देने के कारण, प्रसन्नता देने के कारण प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट कहते हैं, अर्थात इसको खुशी देने वाला, जॉयनेस देने वाला, प्रसन्नता देने वाला एक फूल कहा जाता है। ये इसका दूसरा स्टंजा है। अब इसमें कंपैरिजन का प्रश्न आ सकता है, एक लिली के पेड़ की तुलना अपन एक ओक के पेड़ से कैसे कर सकते हैं या कैसे करते हैं। तो सबसे पहला जो बिंदु इसका बनता हुआ बनता है कि एक ओक का पेड़ है, ओक ट्री है, वह 300 ईयर्स का लाइफ जीता है, जबकि एक लिली का फूल या पौधा है, वह सिर्फ एक दिन की जिंदगी जीता है, फिर भी वह उस पेड़ की अपेक्षा अधिक अच्छा है क्योंकि लोगों के जीवन में खुशियां भरता है। अंत में पॉइट बेन जॉनसन इन दो पंक्तियों के माध्यम से हमें इस पोइम का सारांश और जीवन क्या है और जीवन कैसा होना चाहिए और जीवन यदि अपन अच्छे कार्य करेंगे तो कैसा हो सकता है, इसके बारे में यहां पर अपनी ओपिनियन प्रकट करता है, अपनी राय कहता है। इन स्मॉल प्रोपोर्शंस, स्मॉल यानी छोटा, स्मॉल का मतलब है छोटा, लाइफ स्पेन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जीवन की अवधि, उम्र, इंसान की उम्र, स्मॉल छोटा, प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का अर्थ यहाँ पे स्वरूप, आकार, आकार स्वरूप या रूप, प्रोपोर्शन, वी यानी हम मतलब सारे मनुष्य मानव,
जस्ट ही, जस्ट का मतलब है केवल, जस्ट अर्थात केवल, केवल और केवल ब्यूटीज सुंदरताएं, ब्यूटी यानी सुंदरता, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, और ब्यूटीज सुंदरताएं सी देखते हैं, सी यानी देखना, एस डबल ई वाला सी है, ध्यान दीजिएगा, सी यानी देखना। अंत में बेन जॉनसन कहता है कि हम मनुष्यों की प्रकृति ऐसी है, हमारा नेचर ऐसा होता है, हमारा स्वभाव ऐसा होता है कि हम केवल छोटे छोटे जीवन के स्वरूपों में भी सुंदरता देखते हैं। हम व्यक्ति का बाहरी रूप देखते हैं, हम उसको उसी उसकी फिजिकल संरचना देखते हैं, बाहरी तौर पर इंसान कैसा ऐसा हम देखते हैं। जैसे कि एक पेड़ है, ओक का पेड़ काफी बड़ा है लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं है, वह यूजलेस है मनुष्य के लिए। इसी प्रकार से यहाँ पे कहता है कि इंसान इंसान के गुणों को नहीं देखता है, उसके आंतरिक गुणों को नहीं देखता है, उसकी नेचर नहीं देखता है, अपितु वह उसके बाहरी रूप को देखता है, उसके स्वरूप को देखता है, और मनुष्य का स्वभाव है कि वह केवल ब्यूटीज देखता है, अर्थात वह सुंदरता देखता है, सुंदरता की तरफ आकर्षित होता है। एंड और इन शॉर्ट मेजर्स, अंत में कवि यहाँ पे कहता है, शॉर्ट यानी छोटा, शॉर्ट का मतलब है लाइफ स्पेन शॉर्ट, जीवन की अवधि छोटी, मेजर्स मापदंड, मेजर्स का अर्थ क्या है, मापदंड, पैमाना। लेकिन इस छोटी सी, यहाँ पे मेजर्स का मतलब है अवधि, जीवन की अवधि, इस छोटी सी जीवन की अवधि में भी लाइफ, जीवन, लाइफ मीन्स जीव, जीवन में परफेक्ट भी में हो सकता है, मे के साथ में बी है, मे बी अर्थात हो सकता है, यहाँ पे संभावना प्रकट की गई है, जहां पे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है, जहां पे अत्यधिक प्रबल संभावना होती है, वहां पर हमेशा अपन मे का प्रयोग करते हैं। तो हो सकता है, संभावना अधिक है, परफेक्ट, परफेक्ट माने होता है पूर्ण, अर्थात अगर अपन व्यक्ति के गुणों को देखें, इंसान के नेचर को देखें, उसके नोबल नेचर को देखें, तो चाहे शॉर्ट मेजर्स है, चाहे लाइफ स्पेन शॉर्ट है, जीवन की अवधि बिल्कुल छोटी है, चाहे 20-25 वर्ष की जिंदगी आदमी जीता है, लेकिन अगर वह अच्छे गुण, अच्छे गुणों वाला है, अच्छे कर्म करता है, नोबल कार्य करता है, अच्छे श्रेष्ठ कार्य करता है, तो उसका जीवन छोटा होकर के भी परफेक्ट हो सकता है, पूर्ण हो सकता है। ऐसी कवि अपनी ओपिनियन अंत में, इस पोइम के अंत में रखता है। एक बार दोबारा से अपन इसको तुरंत रिविजन कर लेते हैं, यहां पर कितने सिंबल लिए गए, ये क्वेश्चन भी बनता है अपनी पोइम का। पहला जो प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि कवि यहाँ पर पोइम में कौन कौन से सिंबल, कौन कौन से प्रतीक लेता है पोइम में। तो सबसे पहले आप ये ध्यान में रखना, इस पोइम को पढ़ो, एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे तो इसको आप जल्दी से समझ लेंगे और ये प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा कि पोइम में यहाँ पर दो प्रकार के सिंबल हैं, दो प्रतीक कवि ने चुने हैं। पहला प्रतीक इसमें बड़ी अवधि का, लंबे जीवन का, 300 साल की अवधि जीने वाला ओक का पेड़ है। पहला ये ध्यान रखना, पहला जो प्रतीक है वो कौन सा है, एन ओक ट्री, और दूसरा जो प्रतीक है इसमें लीली फ्लावर। ये छोटा सा आंसर है, बिल्कुल शॉर्ट में आंसर है। इसमें कौन कौन से प्रतीक काम में लिए गए पोइम में, पहला इसके अंदर लिया गया है ओक ट्री जो 300 ईयर्स जीता है, और दूसरा इसके अंदर है ए लीली फ्लावर जिसकी ओनली वन डे, केवल एक दिन की लाइफ स्पेन होती है। बिल्कुल सीधा उत्तर आप सबके याद होने वाला है, याद कर लोगे शायद आप, आपको याद हो जाएगा कि सिर्फ इसमें दो प्रतीक है, ए लीली फ्लावर एंड एन ओक ट्री। दूसरा इसके अंदर क्वेश्चन बनता है पूरी पोइम के अंदर, जो पहला स्टंजा अपन ने पढ़ा अभी, उसमें यह है मेंशन द क्वालिटीज ऑफ एन ओक। दोनों प्रकार से प्रश्न बन सकता है, मेंशन द क्वालिटीज ऑफ एन ओक, और बन सकता है इस स्टंजा में मेंशन द क्वालिटीज ऑफ ए लीली फ्लावर। दोनों प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें ओक की क्या विशेषताएं हैं, पहला ओक की विशेषताएं, ओक की विशेषता है सबसे पहले कि 300 वर्ष से जीता है, इट लिव्स फॉर 300 ईयर्स, पहली बात। दूसरा इट इज बल्की इन साइज, दूसरा ये कि साइज में बहुत बल्की होता है, अपन पढ़े थे पहले स्टेंजा में आया था, इन बल्क अत्यधिक मात्रा में बढ़ने वाला, अर्थात ये बहुत बड़े आकार का वृक्ष होता है, एक बहुत बड़ा पेड़ होता है, बल्की साइज में होता है। दूसरी बात है, इसकी विशेषता ये कि बड़ा तो जाता है लेकिन ये मनुष्य के लिए मीनिंगलेस है, यूजलेस है, और ये अंत में जब इसकी स्थिति होती है ओक के पेड़ की, तो ये गिरता है जब ही, तो ये लोग बन जाता है, लोग मीन्स लट्ठा, सिर्फ एक सूखा डंठल, एक लट्ठा या लठ बन जाता है, ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, सूखने के बाद में यह बाल्ड हो जाता है, बाल्ड का मतलब है पत्तीहीन, गंजा, यानी इसकी सारी पत्तियां झड़ जाती है, मुरझा जाता है। तो अंत में यह पेड़ मुरझा करके सूख करके और पत्तीहीन होकर के डंठल या एक लट्ठे के रूप में गिर जाता है,
और यूजलेस होता है। ये इसकी ओक की पेड़ की विशेषताएं थी। अब इसमें एक प्रश्न बन सकता है, लिली हमें इंप्रेस कैसे करता है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो ये बनता है कि लिली की उम्र तो एक ही दिन होती है, फिर ये हमें इंप्रेस कैसे करता है, ये हमें प्रभावित कैसे करता है। तो लिली की जो विशेषताएं बताएंगे अपन, मेंशन द क्वालिटीज ऑफ ए लिली फ्लावर, वही आंसर इसका है। ये हमें जॉयनेस देता है, हमें हैप्पीनेस देता है, ये इंसान के पूरे जीवन को खुशी से भर देता है। हालांकि एक दिन की इसकी लाइफ स्पेन होती है, अर्थात एक दिन के लिए खिलने वाला, मई के महीने में खिलने वाला लिली का फूल ही ये इंसान के जीवन को प्रसन्नता से भर देता है, उसके जीवन को खुशियों से भर देता है, अर्थात जीवन को महका देता है। इसलिए इस प्रकार से ये हमें प्रभावित करता है। और इसकी विशेषता यह भी है कि हालांकि उसी रात्रि को समाप्त हो जाता है, फिर भी लोग इसे प्लांट और फ्लावर ऑफ लाइट कहते हैं, अर्थात जीवन में रोशनी फैलाने वाला इसको पुष्प कहते हैं, फूल कहते हैं। तो ये दोनों वृक्षों की तुलना हो गई, दोनों की कंपैरिजन भी हो गई और दोनों की विशेषता भी हो गई। अब अंत में यहाँ पे कवि कहता है, एक प्रश्न भी बनता है अपने यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू द पॉइंट, कवि के अनुसार व्यक्ति का जीवन किस प्रकार से परफेक्ट हो सकता है, पूर्ण हो सकता है। अपन यदि छोटी जीवन भी जी रहे हैं, छोटी सी 25-20 साल की जिंदगी भी जी रहे हैं, 100 साल की जिंदगी जिए और कुछ नहीं करें तो वह बेकार है, ओक के पेड़ की तरह। लेकिन अपन छोटी उम्र जी रहे हैं, छोटी जिंदगी जी रहे हैं, तो भी वो परफेक्ट हो सकती है, पूर्ण हो सकती है। कैसे? ठीक लिली के फूल की तरह है, अच्छे कार्य करके, by doing noble deeds। अपन यदि श्रेष्ठ कार्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो हमें छोटी सी जीवन की अवधि को भी जीवन को पूर्ण बना सकते हैं, इतनी सी अवधि में जीवन को पूर्ण बना सकते हैं इन स्मॉल प्रोपोर्शंस। लेकिन हम बना क्यों नहीं पाते हैं अपने जीवन को, अपने परफेक्ट या पूर्ण क्यों नहीं बना पाते हैं? क्योंकि मनुष्य की प्रकृति ऐसी है, मनुष्य का नेचर ऐसा है कि वह सिर्फ छोटी छोटी चीजों में भी सुंदरताएं देखता है, अर्थात उसकी बाहरी आकार रूप रंग संरचना इन्हें देखता है, वह व्यक्ति के नोबल डीड्स और नोबल कार्यों को नहीं देखता है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह अध्याय, ये चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि आपको ये अपनी पोएट्री का जो पहला चैप्टर है द नोबल नेचर, वो कैसा लगा, कितना आपको इसमें से होमवर्क के रूप में करना है, कितना इसमें से आपको लर्न करना है, कौन कौन से इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार की इसमें राइमिंग स्कीम है और किस प्रकार के इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। दोनों स्टेंजा एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक स्टंजा या प्रश्न हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में आता है। तो आप सब इसको गौर से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें और भावार्थ करके पढ़ें, और पोएम जब लिखी गई उस संदर्भ में, उस परिवेश में जाकर के आप इसको थोड़ा गहराई से पढ़ने का प्रयास करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन, ये चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और इसका सारांश यही है कि हमें जीवन में सिर्फ अच्छे कर्म करने चाहिए, नोबल नेचर होना चाहिए और नोबल डीड्स करते हुए हमें, चाहे छोटी जीवन हमें मिला हो, हमें उसको कंप्लीट करना चाहिए और जीवन को परफेक्ट बनाना चाहिए।